हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम, अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय कानामाखन पब्लिक स्कूल वृंदावन। इन दिस प्रोग्राम वी प्रोवाइड यू वर्चुअल क्लासेस डायरेक्टली टू योर होम इन दिस स्टेट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। एज वी ऑलरेडी नो, द सिचुएशंस आर गेटिंग वर्स डे बाय डे एंड द डेटा इज लोअरिंग। इफ डेटा इज लोअरिंग, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट स्टिल वी मस्ट बी केयरफुल, बिकॉज बच्चन जी क्या कहते हैं, बच्चन जी कहते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करें, एंड जब तक एक प्रॉपर मेडिसिन या वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होता, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिसेंट ना बढ़ते, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। 12th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज में वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ 9 चैप्टर्स, द 10th चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर था, उसमें हमने जाना था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, यानी फंड एक्वायरिंग किस तरह से होती है, फंड एक्वायरिंग के सोर्सेस क्या होते हैं, और जो सरप्लस हमारे पास आता है, हाउ डू वी यूज दैट पर्टिकुलर सरप्लस। बट आज हम जानेंगे कि ये पैसे इन्वेस्ट करने वाले होते कौन है और उस पैसे को यूज करने वाले कौन होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास दो है, एक इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। जो हमारा सिस्टम है वो इन दो तरीकों पर, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम है वो हमारा इन दो फैक्टर्स पे काम करता है, इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन है? इन्वेस्टर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी और द पर्सन हु हैव सरप्लस ऑफ मनी। यानी इन्वेस्टर वो पार्ट होता है जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी है, यानी कि बहुत पैसा है इनके पास, ज्यादा पैसा आ गया है। तो अब ज्यादा पैसा जब किसी के पास आता है तो उस सिचुएशन में आदमी ना शांत नहीं बैठता है, आदमी को चैन नहीं लगता ज्यादा पैसा आने के बाद। सो व्हाट दे डू, दे वांट टू इन्वेस्ट दैट मनी, बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास पैसा है और वो रिसोर्स आपका आइडियल पड़ा हुआ है, तो दैट इज योर फूलिशनेस, बिकॉज यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, या आपका फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, और अगर आप इस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाने में यूज नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक आपका पैसा आपके किसी काम का नहीं है, कंट्री के किसी काम का नहीं है। बिकॉज कम से कम भैया बैंक में ही रख दो, इंटरेस्ट तो मिलेगी आपको, FD करवा दो, कुछ तो करो कम से कम, ठीक है, कहीं तो इन्वेस्ट करो। तो ये इस वजह से बोला गया है इन्वेस्टर जिनके पास पैसा ज्यादा है। अब ज्यादा पैसे वाला आदमी क्या करता है, वो पैसा देता है बोरोवर्स को। अब बोरोवर्स क्या है, बोरोवर वो पार्ट ऑफ सोसाइटी है या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो लोग हैं जिनके पास डेफिसिट ऑफ मनी है, यानी कि पैसे की कमी है। तो यानी कि इन्वेस्टर्स को बोलते हैं हम सरप्लस यूनिट्स, एंड बोरोवर्स को बोलते हैं हम डेफिसिट यूनिट। अब जिस मार्केट में ये लिंक अवेलेबल होता है इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स का, यानी अ कॉन्सेप्ट that provides link between the investors and borrowers is known as financial markets. ठीक है, यानी कि flowing of funds from surplus units to deficit unit, यानी कि जो पैसा है वो surplus unit से deficit units के पास जाए, ठीक है, और ये पैसा लौट के वापस डेफिसिट यूनिट से सरप्लस यूनिट के पास आता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या फिर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये पैसा वापस आने के केवल दो ही तरीके होते हैं। अब ये तो मैंने तरीका बताया कि किस तरह से सरप्लस यूनिट से पैसा आपका डेफिसिट यूनिट के पास जाता है, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा बोरोवर्स के पास जा रहा है, एंड बोरोवर्स क्या करते हैं, दो फॉर्म में उस पैसे को लौटाते हैं, आइदर दे विल रिपे यू इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब इस काम को इंप्लीमेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एंड वो दो तरीके क्या है, वो दो तरीके हमारे हैं, एक है आपका कॉमर्शियल बैंक्स और दूसरा तरीका है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स।
तो एक तरीका हमारा कॉमर्शियल बैंक्स एंड दूसरा हमारा फाइनेंशियल मार्केट। अब कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से आपका इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखिए इन्वेस्टर या तो अपने पैसे को बैंक में जमा करेगा। अब बैंक क्या करती है, जो भी आपने डिपॉजिट जमा किया है दे गिव यू इंटरेस्ट ऑन दैट डिपॉजिट, एंड बैंक क्या करेगी, बैंक आपके पैसे को लोन के फॉर्म में देगी किसको, बोरोवर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से और आपके पास पैसा कैसे आएगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि आपको आपके प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में। फाइनेंशियल मार्केट का एग्जांपल कैसे हो गया, सिक्योरिटीज को परचेस करना, शेयर्स को परचेस करना, इक्विटी परचेस करना, ये आपका फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली बात हो गई, ठीक है। सपोज कीजिए आपने रिलायंस पे पैसा लगाया, आपने रिलायंस के शेयर परचेस किए, तो इट मींस आपकी आपने क्या किया, रिलायंस डेफिसिट यूनिट थी और आपने सरप्लस को रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, एंड नाउ यू विल गेट द रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और अब आपको जो पैसा है डिविडेंड के फॉर्म में वापस मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया तो इसमें आपको रिटर्न कैसे मिलेगा, इसमें आपको रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट होते क्या है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ कॉन्सेप्ट दैट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर, एंड बाय मीनिंग ऑफ दैट लिंक दैट इन्वेस्टर्स आर नोन एज द सरप्लस यूनिट्स एंड द बोरोवर्स आर नोन एज द डेफिसिट यूनिट, एंड द क्रेडिट गोज फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट बिकॉज द बिजनेस नीड्स द फाइनेंस एंड दोज रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फुलफिल्ड फ्रॉम द यूनिट्स दोज आर हैविंग सरप्लस अमाउंट ऑफ फाइनेंस, and these are the sources that we discussed in the previous chapter, the financial management. So after knowing about the financial management, we need to know about how do we arrange the funds and how the system of arrangement of funds work. That is the main thing, that is the most highlighted thing of this chapter that we are going to study under the head of chapter 10, financial markets. Financial markets. ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब हमने क्या जाना, हमने जाना फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, अब हम जान लेते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, सबसे पहले रोल की मैं बात करूं, द वेरी फर्स्ट रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर। Mobilizing savings and channel them to productive sector. अब what is the meaning of mobilizing saving? जो mobilizing का term है ये आया है आपका word mobile से, and mobile का मतलब क्या है, movement, यानी कि आपके पास जो सरप्लस है उस सरप्लस का मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर में यूटिलाइज करना। देखिए अगर आपका रिसोर्स, आपका फाइनेंस आपके पास इडल पड़ा हुआ है तो वो आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट है, यानी अगर आपका पैसा पैसे से पैसा नहीं बना रहा है तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है, धैर्य रखिए। यही कारण है कि इंडिया की नेशनल इनकम कम है, यही कारण है कि इंडिया की जीडीपी कम है, यही कारण है कि इंडिया के पास जो ओवरऑल गोल्ड रिजर्व है वो कम है, ठीक है, क्यों, बिकॉज हम यहां पे रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज इंडिया का जो ऑडियंस है, इंडिया के जो आपके टैक्स पेयर्स हैं वो रिस्क टेकर्स हैं नहीं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं नहीं। तो इसी वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, आपके सरप्लस को मूव करता है प्रोडक्टिव सेक्टर में, जिससे कि उस पैसे से ना सिर्फ वो सेक्टर अर्न करे बल्कि आप भी अर्न करें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, अगर मैं रोल की बात करूं तो
यहाँ पे सेकंड पॉइंट रोल में होगा मेरा फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अब द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ प्राइस डिस्कवरी इज, देखिए यहां पे हम मार्केट्स की बात कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के ग्राफ को भी इफेक्ट करता है। अब डिमांड एंड सप्लाई के ग्राफ को किस तरह से इफेक्ट करता है, यहां पे हम फाइनेंस के डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं। अगर फाइनेंस की अवेलेबिलिटी स्टडी रहेगी, प्रोडक्शन बना रहेगा, तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी स्टडी रहेगी, और जब डिमांड स्टडी रहेगी तो सप्लाई स्टडी रहेगी, और जब डिमांड एंड सप्लाई स्टडी है तो मतलब आपका प्राइस भी स्टडी रहेगा। लेकिन जरा सा हम डिमांड एंड सप्लाई को टच कर दें, आप जब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं आपने देखा है कि किस तरह से हम डिमांड एंड सप्लाई को राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते हैं, जो कि आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस से इफेक्टेड हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइस पे भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। सो दैट इज व्हाई द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड फैसिलिटेशन टू प्राइस डिस्कवरी ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसके बाद दे प्रोवाइड लिक्विडेशन टू असेट्स। अब लिक्विडेशन टू असेट्स का क्या मतलब है, लिक्विडेशन टू असेट्स का मतलब है कि फाइनेंशियल मार्केट में आप सिक्योरिटीज को परचेस करते हो, एंड बाय द सिक्योरिटी मींस मैं एग्जांपल लूं इक्विटी शेयर्स का। अब इक्विटी का मतलब आपने उस कंपनी के असेट में पैसा लगाया है, ठीक है। तो आपकी जब रिक्वायरमेंट होगी आप उन सिक्योरिटीज को बेच के सीधा सीधा कैश में उन्हें कन्वर्ट करा सकते हैं। आप जब चाहे सिक्योरिटीज को बेचिए, उसको कैश में कन्वर्ट करा लीजिए, यानी कि आप असेट को लिक्विडिफाई कर सकते हैं, यानी अपना पैसा जो लगा है उसको निकाल सकते हैं। यू कैन एनी टाइम टर्न योर सिक्योरिटीज इनटू द कैश, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, रिडक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए जो आपका फाइनेंशियल मार्केट आपको एक शेयर, जो आपका सिक्योरिटी का प्राइस एंड बहुत सारी अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और अगर ये फाइनेंशियल मार्केट ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आएगी भाई साहब कि आपको आपकी फर्म को इन सारी चीजों में पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो कॉस्ट है वो बच जाता है अगर फाइनेंशियल मार्केट अपना रोल बहुत अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्ले कर रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के क्लासिफिकेशन को मैं देखूं, फाइनेंशियल मार्केट, तो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है हमारा मनी मार्केट। जो आपका मनी मार्केट होता है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म के काम आता है। कैपिटल मार्केट को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी आपका दो टाइप का होता है, इक्विटी एंड डेट, और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आपका आता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मार्केट का कैटेगराइजेशन। इन द फर्दर स्लाइड्स वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड सो ऑन। तब तक के लिए चलते हैं स्लाइड्स वाले वीडियो। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बता चुका हूं कि कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट, एंड वी फर्दर क्लासिफाई द कैपिटल मार्केट इनटू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इसके बाद हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे मनी मार्केट की। मनी मार्केट में आपका जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है, ठीक है। एंड इसका जो फंड्स है वो यूज किया जाता है एकदम से आपके पास टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश आ गया, यानी ऐसा कैश जिसके लिए आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको तुरंत कैश की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का। इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का वो है कॉल मनी। देखिए कॉल मनी का जो कॉन्सेप्ट क्या है, जब इंस्टेंट कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक क्या करते हैं, ओवरनाइट के लिए 24 आवर्स के लिए जो है वो लोन ले लेते हैं
एक बैंक से दूसरे बैंक तक अपनी उस टेम्पररी कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉल मनी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, कॉल मनी इज द मोड ऑफ फाइनेंस दैट इज रिपेबल ऑन डिमांड विच इज यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांसफर, ठीक है, एंड दिस प्रोवाइड फॉर टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। ये इस वजह से किया जाता है जिससे कि बैंक के पास अपना मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन रहे, ठीक है, और ये आपका एक दिन से 15 दिन तक के लिए इशू किया जा सकता है। एंड जो इंटरेस्ट रेट इस पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड कॉल रेट। एक्चुअली जो कॉल मनी का कॉन्सेप्ट है पहले बैंक्स के लिए समझा जाता था, लेकिन अब कॉल मनी का यूज़ और भी आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इस तरह के कॉल मनी का यूज़ करते हैं। कॉल मनी के बाद आता है हमारा कॉमर्शियल बिल या ट्रेड बिल जिन्हें कहा जाता है। कॉमर्शियल या ट्रेड बिल क्या होते हैं, दीज आर द अकोमोडेशन बिल ड्रॉन बाय वन बिजनेस फ्रॉम ऑन अनदर, यानी जब ये एक बिजनेस के द्वारा दूसरे बिल पर ड्रॉ किए जाते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे इसे, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को इन बिल्स के बेसिस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देता है, ठीक है, जिससे कि क्रेडिट जो सेल्स है वो क्रेडिट की जा सके, यानी जो सेल्स पे जो क्वांटिटी जा रही है उसको क्रेडिट किया जा सके। और ये आपका इशू किया जाता है 90 डेज के लिए, ठीक है, और इट कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, यानी ये बैंक से डिस्काउंटेड करवाया जा सकता है इवन इसकी मैच्योरिटी से पहले, यानी मैच्योरिटी से पहले भी इसको पे किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका होता है कॉमर्शियल बिल। ये है क्या, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप ये एक्सेप्ट करते हैं आपका बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू पे दैट सम ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज कॉमर्शियल बिल। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी बिल, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूज टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, जिससे कि जो गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। अब इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो आपका 25,000 होता है और ये आपका इशू किया जाता है 14-365 डेज के लिए, ठीक है। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, इनको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या है, जैसे कि 2 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल है तो वो आपको डिस्काउंट पे यानी 1,90,000 में दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आपको वो रिडीम करेंगे तो वो आप उसकी एट पर यानी फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे, यानी आपको वो 2 लाख रुपए मिलेंगे। आप 1,90,000 में आपने लिया है, ठीक है, लेकिन आपको उसका बेनिफिट 2 लाख रुपए का मिलेगा। ये होता है मीनिंग ऑफ रिडीम एट पार का मतलब, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स आर द शॉर्ट टर्म अनसिक्योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन अ बियरर फॉर्म इशूड बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी कि ये अनसिक्योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बियरर की फॉर्म में जो कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने कहीं पर डिपॉजिट जमा किया है, व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई, ये उस सिचुएशन में जारी किए जाते हैं जहाँ पे बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ है वो कम है लेकिन क्रेडिट की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका जो पीरियड होता है वो होता है 14-365 डेज, ठीक है, और दे आर द फ्रीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड आर ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं पर एंडोर्समेंट के थ्रू उनका ट्रांसफर होता है, ठीक है। फ्री नेगोशिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि ये इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है एक बेयरर से दूसरे बेयरर को, और इनको इशू करने का राइट केवल और केवल किसके पास होता है, बैंक्स के पास होता है। तो ये था आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बाद आता है आपका कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या कहता है आपका, कॉमर्शियल पेपर्स आर द अनसिक्योर, कॉमर्शियल पेपर मैंने आपको पढ़ाया है 11th स्टैंडर्ड में, कॉमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर प्रॉमिसरी नोट विच आर इशूड बाय अ कंपनी ओनली बाय हाई क्रेडिट वर्दी रेपुटेड लीडिंग फर्म्स, यानी कि जो कॉमर्शियल पेपर है वो केवल और केवल हाई क्रेडिट वर्दी कंपनीज को इशू किया जाता है जिससे कि फ्लोटेशन कॉस्ट को फुलफिल किया जा सके। इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रिज फाइनेंसिंग। पीरियड क्या होता है इसका, इसका पीरियड होता है 15 डेज टू 1 ईयर एंड दिस इज अ फ्रीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड आर ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट, यानी कि ये इजीली नेगोशिएबल है यानी इजीली ट्रांसफरेबल है आपका, ठीक है। और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर ऑफ 1990 में, सबसे पहले इंडिया में आपका इशू हुआ था ये इन द ईयर ऑफ 1990। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ये इशू कब हुआ था, ठीक है।
तो ये था हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट में हमने कॉमर्शियल पेपर पढ़ा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ा, हमने ट्रेजरी बिल्स पढ़े, उसके बाद हमने कॉमर्शियल बिल पढ़े और कॉल मनी पढ़ा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे थे। अब हमको पढ़नी है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। तो कैपिटल मार्केट हमने पढ़ा, मनी मार्केट, अब पढ़ते हैं हम कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहां पे हम न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट है क्या, मैं आपको बता दूं एक बार पहले। प्राइमरी मार्केट डील्स विद द न्यू इशूज, ऑल्सो रेफर टू एज द न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स, यहाँ पे कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को, अपने इक्विटीज को डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को देती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अब इशू करने के तरीके क्या क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका फीचर है कैपिटल मार्केट के क्या है। कैपिटल मार्केट एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द कस्टमर, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए आपको कैपिटल मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इससे जो आपके बीच के इंटरमीडियरीज होती हैं, दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल होती है, ठीक है। और किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड आप कैपिटल मार्केट के थ्रू ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं गवर्नमेंट के। अब इसके बाद हमारा मेथड ऑफ फ्लोटेशन। मेथड ऑफ फ्लोटेशन यानी कि आप किस तरीके से प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से वेज हैं, मीन्स व्हाट आर द वेज दैट यू कैन इशू द सिक्योरिटीज इन द मार्केट। So for that we have one short form, and the short form for to learn this is the ROOPE, ठीक है, रूपे, रूपे बोलो, रूपी बोलो, I think you can say। तो इसका start होता है सबसे पहले right issue। अब right issue का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था पहले कि अगर कोई कंपनी, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी अगर अपना शेयर इशू कर रही है, इक्विटी इशू कर रही है, तो सबसे पहले इट विल ऑफर, ठीक है, मींस द न्यू शेयर्स विल बी ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट सम डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। सबसे पहली जो ऑफरिंग की जाती है नए शेयर्स की, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जाती है, जिससे कि कंट्रोल बना रहे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे। अगर बाहर से नए शेयर होल्डर्स आते हैं तो उनका कंट्रोल डायल्यूट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इस वजह से राइट इशू का मतलब, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ फर्म इफ दे आर इशूइंग न्यू सिक्योरिटी देन दे मस्ट बी इशूड फर्स्ट फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो पहला हो गया हमारा क्या, राइट इशू, ठीक है। राइट इशू में यानी कि उसका अधिकार है। सेकेंड, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। सबसे पॉपुलर मेथड जो है हमारा प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी इशू करने का, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है, बहुत पॉपुलर मेथड है। कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म द अट्रैक्ट द इन्वेस्टिंग पब्लिक। यहाँ पे कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है एंड उससे वो अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को। इट कंटेन्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू पब्लिक अबाउट द रिस्क फैक्टर इन द लाइकली इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, और ये रिस्क फैक्टर को भी अच्छे से अवेयर करवाती है इन द प्रोस्पेक्टस। तो सेकेंड वो पहला हुआ हमारा राइट इशू, उसके बाद आया हमारा प्रोस्पेक्टस, उसके बाद ऑफर फॉर सेल, ठीक है। सेल का, ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हुआ, एक मिनट, लेट मी गेट द स्टाइलस। ऑफर फॉर सेल का मतलब हुआ कंपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है, ठीक है, एट एन एग्रीड प्राइस टू ब्रोकर हु इन टर्न रिसेल देम टू द पब्लिक एट हायर प्राइसेस। यानी कि कंपनी ने क्या किया, अपनी न्यू सिक्योरिटीज को ब्रोकर को बेच दिया, ब्रोकर ने डिस्काउंटेड प्राइस से परचेस करके आपको हाई प्राइस को, आपको हाई प्राइस पे बेच दिया। तो उस केस में आपका बेनिफिट क्या हुआ, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, जिससे कि वो डिफिकल्टी, जो प्रोसीजर में डिफिकल्टीज है ना, उससे बच सकें। ऑफर फॉर सेल इस वजह से किया जाता है जिससे कि इंटरमीडियरी जो ब्रोकर है वो सारा काम संभाल ले, और पूरी जो फ्लोट, जो आपका कॉस्ट लगने वाला है, उस कॉस्ट से भी बचेंगे, ठीक है, और ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं हो। इसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट। कुछ सिलेक्टेड शेयर होल्डर जो बहुत ही रेपुटेड हाउसेस हैं, कोई रेपुटेड शेयर होल्डर्स हैं, उनको शेयर्स ऑफर किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, उनको कंपनी ऑफर करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यानी प्राइवेटली न्यू सिक्योरिटीज शेयर होल्डर्स के पास भेज दी जाती हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इसमें कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है, ठीक है, आपकी कॉस्ट भी कम होगी और ईजिली आपका काम भी हो जाएगा। इसके बाद है ईआईपीओस। देखिए सेबी के अकॉर्डिंग एक ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन प्राइवेट सिक्योरिटीज़ की परचेजिंग और सेलिंग होती है, ठीक है। तो EIPOs का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इट इशू थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, यानी एक स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, और ऐसे ब्रोकर जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वही लोग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कंपनी के पास ऑर्डर लगा सकते हैं। इट ऑल्सो अपॉइंटेड रजिस्ट्रार टू इशू हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज, और अगर कोई जो एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी में कोई इशू है, तो उस केस में रजिस्ट्रार भी हायर किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे EIPO से क्या होता है कि आप की कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे अपनी न्यू सिक्योरिटीज को बेचती हैं केवल और केवल उन ब्रोकर्स को जो आपके सेबी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो हमने मेथड ऑफ रोटेशन देखे वो थे हमारे EIPOs, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड राइट इशू, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? देखिए, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इन्वेस्टर्स का, ठीक है, एंड जो आपके बाय इन्वेस्टर्स का और जो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनका, ठीक है, यानी कि कंपनी का एंड इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में देर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड कंपनी, ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसमें न्यू सिक्योरिटीज बेची जाती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। जो सिक्योरिटी ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन सिक्योरिटीज़ को बेचा या खरीदा जाता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं पहले आपको बता दूँ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट से डिफरेंस आपका यूजुअली 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, जो प्राइमरी मार्केट है उसमें न्यू सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, एंड सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। लोकेशन, इट हैज़ नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। प्राइमरी मार्केट हैज़ नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, बट सेकेंडरी मार्केट हैज़ फिक्स्ड लोकेशन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है आपका दलाल स्ट्रीट मुंबई, ये है आपका इंडिया के स्टॉक मार्केट का एड्रेस, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है, सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली बाय द कंपनी। जो कॉन्टैक्ट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, वो प्राइमरी मार्केट में होता है कंपनी का अपने इन्वेस्टर के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का अपने इन्वेस्टर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, आपका फ्रीली विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट आपकी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। कैपिटल फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये प्राइमरी मार्केट प्रमोट डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन सेकेंडरी मार्केट प्रमोट इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन। एस्टिमेशन ऑफ प्राइस, जिसका जो प्राइस एस्टिमेशन है वो मैनेजमेंट करता है डिसाइड। इन फॉर द प्राइमरी मार्केट द प्राइस इज एस्टिमेटेड बाय द कंपनी, लेकिन जो आपका सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज होता है वहाँ पे जो प्राइस है वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। अब कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, जैसा मैंने बताया, कैपिटल मार्केट में आपका जो फाइनेंस रेज होता है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेफ्टी की बात करूं तो कैपिटल मार्केट आपका रिस्की है, लेकिन मनी मार्केट आपका सेफ है। लिक्विडिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो कैश की जो लिक्विडिटी है वो कम हो रहती है, यहाँ पे कैश का यूज़ ज़्यादा होता है। इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, और मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ड्यूरेशन की बात करूं, कैपिटल मार्केट में आपका मिड टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस आ जाते हैं, लेकिन मनी मार्केट में आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंस आता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैपिटल मार्केट में रिटर्न हाई होते हैं, मनी मार्केट में रिटर्न लो होते हैं। यूनिट वैल्यू, वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ सिक्योरिटी इज लो, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज की यूनिट है वो लो होती है, और इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि शेयर की वैल्यू 10 रुपये भी हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने शेयर परचेज कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन, इसमें पार्टिसिपेशन कौन लेते हैं? इसमें पार्टिसिपेशन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बैंक्स का, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का। लेकिन यहाँ पे RBI हैं, बैंक है, NBFCs हैं, यानी कि जो मोस्टली जिनको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ही इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस सेकेंडरी मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज ऑन बोर्ड। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम स्टे सेफ।